दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ्रीका के सहारा डिजर्ट में स्नोफॉल हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म जगह पर बर्फ कैसे गिर सकती है? और क्या आप जानते हैं यूपी स्टेट में एक ऐसा गांव है जिसका नाम snapdeal.com नगर है? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक देश में एक ऐसा कानून है जहां पे 15-16 साल के बच्चे आधी रात में वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते? तो ऐसे ही कई अनोखे फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 9, दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज पृथ्वी को अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, करोड़ों साल पहले जब डायनासोर हमारी धरती पे हुआ करते थे तो एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 23 घंटे का हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, उस समय पृथ्वी को अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में 23 घंटे का समय लगता था। नंबर 8, दोस्तों हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, अगर कोई भी मूवी बनती है तो सबसे पहले उसे सेंसर बोर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंसर बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि मूवी का कौन सा पार्ट या सीन वहाँ कट कर रहा है और कौन सा पार्ट को रखना है। मतलब सभी मूवीज के पार्ट या सीन को सेंसर बोर्ड के द्वारा ही पहले अप्रूव किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार यूके के फिल्म मेकर चार्ली लाइन सेंसर बोर्ड से नाराज हो गए थे, तो उन्होंने सेंसरशिप बोर्ड से बदला लेने के लिए एक 10 घंटे 7 मिनट की फिल्म बनाई और सेंसर बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस फिल्म में बस एक दीवार को पेंट करने की और उस पेंट को सूखने के बारे में ही 10 घंटे तक दिखाया गया है, और 10 घंटे तक सेंसरशिप बोर्ड वालों को ऐसी अजीब मूवी देखनी भी पड़ी। नंबर 7, दोस्तों आप सब पिज्जा हट के बारे में तो जानते होंगे, एक अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन है जो कि पिज्जास के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिज्जा हट सिर्फ पिज्जा नहीं बल्कि परफ्यूम भी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, पिज्जा हट परफ्यूम, और इस परफ्यूम को वो अपने पिज्जास पे भी इस्तेमाल करते हैं, और इसी परफ्यूम के फ्रेग्रेंस के कारण पिज्जा ज़्यादा फ्रेश और हैंड बेक्ड भी लगता है। नंबर 6, दोस्तों आप सबने सैंडविच तो खाया होगा और आप कई अलग अलग प्रकार की सैंडविचेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अर्थ सैंडविच के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, अर्थ सैंडविच, दो आदमियों के द्वारा ऐसा सैंडविच बनाया गया था। उन दोनों ने एक एक ब्रेड को स्पेन और न्यूजीलैंड के एक ऐसे पॉइंट पे रखा जो अर्थ के बिल्कुल अपोजिट में है, तो बस फिर क्या, बन गया उनका अर्थ सैंडविच। लेकिन दोस्तों, इसे हम खाएंगे कैसे, ये तो उन दोनों से ही पूछना पड़ेगा। नंबर 5, दोस्तों स्क्रीन पे आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं उस इंसान का नाम इरिक हिनकैपिक रेमिरेज है, और आपको इस इंसान के बारे में एक बात सुनकर हैरानी होगी कि इस इंसान ने अपनी 22 साल की उम्र में अपने नोज और ईयर को कटवा दिया क्योंकि ये एक स्कल की तरह दिखना चाहता था। मतलब क्या कहूँ मैं, एक से बढ़कर एक अजीब लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में। नंबर 4, दोस्तों आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के वीडियो गेम खेलने से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूसरे काम और अपनी स्टडीज को छोड़कर वीडियो गेम पर ध्यान देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे रात रात भर तक वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। तो इसको सोचकर साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ निकाला है जिसको यूथ प्रोटेक्शन रिवीजन एक्ट या फिर शटडाउन लॉ और सिंड्रेला लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और इस लॉ में ये है कि बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से कम है वो रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते, और ये लॉ 2011 में साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली के द्वारा लागू किया गया था। नंबर 3, दोस्तों अगर हम मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट देखें तो आइसलैंड 4th नंबर पे आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज होता है वो आइसलैंड में ही होता है, और एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि 1000 लोगों में करीबन 130 लोग डिप्रेशन कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देश इस दुनिया का 4th हैप्पीएस्ट कंट्री कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आइसलैंड के लोग हैप्पी होने पे एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, और वहाँ हैप्पी रहने का कारण वहाँ के लो इनकम टैक्स, फ्री हेल्थ सर्विस और फ्री हायर एजुकेशन फैसिलिटीज होंगे। नंबर 2, दोस्तों यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम शिवनगर से बदलकर snapdeal.com नगर कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? बात यह है कि उस गांव में पानी की कमी होने के कारण लोगों को पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, तो ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने वहां बहुत सारे हैंडपम्प्स लगवा दिए जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत ही मदद मिली, तो उन्होंने अपने गांव का नाम शिवनगर से बदलकर snapdeal.com नगर रख दिया। नंबर 1, दोस्तों आप सहारा डिजर्ट के बारे में जानते होंगे जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है, और इस रेगिस्तान को सबसे गर्म रेगिस्तान भी माना जाता है क्योंकि यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गर्म जगह पे पिछले 40 से 50 सालों में लगभग 4 बार स्नोफॉल हो चुका है, और रिपोर्ट के अनुसार बर्फ की चादर लगभग 15 इंचेस तक की थी जिसने रेत को ढक दिया था। और इस बात का कोई बड़ा कारण तो पता नहीं है, बस ऐसा माना गया है कि जो स्पेन से नॉर्थर्न अल्जीरिया तक बर्फीली हवाएं चलती हैं उसी के कारण ही स्नोफॉल इस जगह पे देखने को मिलता है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये सब फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें जिससे आपसे आने वाले वीडियोज मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।